हेलो एवरीवन, मैं सईद रहमान, आप देख रहे हैं एसर एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक जनरेटर सर्किट के बारे में कि क्लॉक जनरेटर सर्किट में कहां से वोल्टेज मिलता है, कैसे मिलता है, और वोल्टेज मिलने के बाद क्लॉक जनरेटर आईसी कैसे काम करते हैं, कैसे क्लॉक निकलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वोल्टेज तो मिलता है सीधे ये जो आपका SMPS का कनेक्टर है पिन नंबर 1 से, या तो ये जो स्टेप डाउन सर्किट है यहाँ से 3.3 वोल्ट सीधे ये क्लॉक आईसी को मिलता है। क्लॉक आईसी को वोल्टेज मिलने के बाद ही क्लॉक आईसी एक रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट करते हैं, और वही वोल्टेज वहाँ पास क्लॉक जनरेटर आईसी के अंदर आते हैं। तो क्लॉक जनरेटर आईसी के अंदर एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आईसी लगा हुआ होता है, जो आईसी ये जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये दोनों लेगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक लेग में सप्लाई जाता है तो दूसरे लेग से फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। जब दूसरे लेग से फ्रीक्वेंसी निकल के इस आईसी में आया तो भी आपका ये जो आईसी है क्लॉक आईसी, ये एक क्लॉक सीपीयू को भेजता है। सीपीयू को क्लॉक मिलने के बाद ही सीपीयू आपका साउथ ब्रिज को पावर गुड सिग्नल भेजता है। साउथ ब्रिज को जब पावर गुड सिग्नल मिला, साउथ ब्रिज तुरंत क्लॉक जनरेटर आईसी को इनेबल कर देता है, साथ ही साथ दो सिग्नल भेजता है, एक एसएम डाटा और एक एसएम क्लॉक। एसएम डाटा और एसएम क्लॉक मिलने के बाद ही आपका जो क्लॉक जनरेटर आईसी है, ये क्लॉक जनरेटर आईसी सीधे आपका पल्सर को क्लॉक भेजता है, नॉर्थ ब्रिज को क्लॉक भेजता है, साउथ ब्रिज को भी क्लॉक भेजता है, पीसीआई स्लॉट को क्लॉक भेजता है, यूएसबी पोर्ट में जिन जहाँ की भी जहाँ में भी क्लॉक जरूरी है वहाँ क्लॉक भेजता है। हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका क्लॉक जनरेटर आईसी के बारे में बात। आज हम अब हम चेक करके बताएंगे कि कैसे कहाँ से आपका यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है, काम कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एक मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में डाला। तो दोस्तों, ये हो गया आपका एक नंबर पिन। एक नंबर पिन में एक प्रॉब डाला, दूसरा प्रॉब में जो क्लॉक जनरेटर आईसी है यहाँ पे टच करके देखता हूँ कि कोई पिन के साथ बीप आ रहा है कि नहीं। आप सुन सकते हैं बीप आ रहा है, मतलब कि सीधे 3.3 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है इसको। 3.3 वोल्ट मिलने के बाद जो रेफरेंस वोल्ट वापस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आईसी को मिलता है, वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आईसी जो क्रिस्टल को जो सप्लाई मिलते हैं देते हैं, वापस क्रिस्टल एक फ्रीक्वेंसी निकल के ये आईसी को देता है। तो मतलब ये आईसी के साथ क्रिस्टल का एक कनेक्शन है। चलिए वो कनेक्शन दिखाते हैं। एक प्रॉब तो मैं एक लेग के साथ लगाऊंगा। दूसरे प्रॉब यहाँ पे डस्ट करके देखूंगा कि कौन सी लेग में ये कनेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर कनेक्टेड होगा तो बीप साउंड मिलेगा। आप सुन सकते हैं बीप साउंड आ रहा है। ये होगा एक लेग और ये दो नंबर लेग जहाँ से फ्रीक्वेंसी आता है वहाँ पास ये आईसी में। यहाँ पे आप सुन सकते हैं ये मिल गया। ये हो गया आपका क्लॉक जनरेटर सर्किट। तो क्लॉक जनरेटर सर्किट के एक डायग्राम में नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगा।
तो इस वीडियो में मैं और एक बात बता देना चाहती हूँ कि क्लॉक जनरेटर आईसी अगर ख़राब होगा तो क्या होगा। क्लॉक जनरेटर आईसी अगर ख़राब होगा तो आपका नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा, और ये ख़राब है कि नहीं है इसका चेकिंग आप कैसे करोगे। दोस्तों अगर क्लॉक जनरेटर आईसी ख़राब होगा तो ये जो आप देख रहे हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल में अलग अलग वोल्टेज नहीं मिलेगा। दोनों क्रिस्टल में आप जब हॉट टेस्टिंग करोगे तो दोनों क्रिस्टल में सेम वोल्टेज आपको मिलेगा, और जब नॉर्मली आप चेक करोगे तो दोनों क्रिस्टल आपस में बीप देगा। अगर दोनों क्रिस्टल आपस में बीप दिया तो मतलब आपका आईसी ख़राब है, या फिर दोनों क्रिस्टल में अलग अलग वोल्टेज नहीं मिला तो आपका आईसी ख़राब है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए।